हे गेमर, दिस इज समन एंड यू आर वाचिंग एंड्रॉइड गेमर। और मैं बेसिकली आज की वीडियो में बात करूंगा पबजी में रैंक पुशिंग के बारे में। और मैं अभी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रैंक पुशिंग ये उस टाइप की वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको टिप दूंगा कि आपको इस जगह लैंड करना चाहिए, यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए, अपनी एक स्क्वाड बनाओ जिसमें एक स्नाइपर हो। नहीं 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 मैं सिर्फ इस वीडियो में ऐसी बातें करूँगा जो प्रैक्टिकल होगी। मतलब जैसी मैं अभी आपको बातें बताने वाला हूँ वो वैसी नहीं है कि लाइक तुम एक बहुत ट्रू गेमर हो, तुम पूरे दिन पबजी खेलो, तुम पूरी रात पबजी खेलो, तुम पबजी को अपना सारा टाइम तो तब तुम रैंक पुश कर पाओगे। नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा जो आप आपकी लाइफ में कर सकते हो और रैंक पुश भी हो जाएगी साथ साथ में। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपको पबजी खेलने का टाइम नहीं मिलता और आप चाहते हो कि आप एक अच्छे खासे रैंक पर हो, अच्छे खासे KD के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करूँगा, कोई भी आपको लाइक बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करूँगा कि पूरे दिन खेलना पड़ता है, एक अच्छी स्क्वाड चाहिए तो आप रैंक पुश नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी में कोई भी बात नहीं करने वाला। वीडियो में कोई भी कट नहीं लगाऊंगा मैं वॉइस ओवर में, सो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ना कि आपको स्क्रिप्टेड भी नहीं लगेगा सीन। तो बेसिकली सीन ये होता है ना, जब भी हम रैंक पुश करते हैं तो हम क्या चीज़ पे फोकस करते हैं, हमको गेम ज़्यादा खेलनी है ना, करते हैं ना, ज़्यादा खेलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने हैं। आपको एक क्लियर क्लियर चीज़ बताऊँ, मैं पिछले तीसरे सीज़न से लेके हर सीज़न में एस में आया हूँ, एक सीज़न छोड़ के, उस सीज़न जिससे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, हर सीज़न में एस में आया हूँ। और अब मैं आपको अपने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सीज़न में एस में आया मेरे 1000 मैच थे, 1000 मैच, कैन यू बिलीव, 1000 मैच। और इस सीज़न में एस में आया मेरे सिर्फ 300 मैच है। KD 3.5 का था और इसमें 4 कुछ का है, समथिंग 4 कुछ का ही है। तो KD इवन मेरे 300 मैच में इंक्रीज़ हो गया और 1000 मैच में गिर गया और मैं एस में आई गया एट दी एंड, ठीक है। तो सीन क्या है ना, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर तुमको रैंक पुश करनी है ना भाई, एक दिन में बहुत सारे गेम खेलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भाई टाइम निकालो 2 घंटे मैक्स, 2 घंटे में तुम्हारे 3 क्लासिक होंगे, 3 क्लासिक। और अगर तुम हर क्लासिक में अच्छे से खेलो तो तुम बराबर 23 से 40 प्लस कर 23 से लेके, मैं अगर जीत गए तो सीधी सी बात है तुम्हारी अच्छी खासी प्लस होगी, लेकिन मैं फिर भी एवरेज 23 ले रहा हूँ, 23 प्लस। तो तुम अगर 3 मैच खेलो तुम्हारी 25 ले लो, ठीक है, अच्छा फिगर लग रहा है वो 25, ठीक है, 50 75 75, तुम्हारी एक दिन में प्लस होती है अगर तुम सिर्फ 2 घंटे खेलो। तो सबसे बड़ी बात मैं सीधे आप लोगों को बता रहा हूँ कि एडिक्शन की ज़रूरत नहीं है कि हमको रैंक पुश करना है, गेम ही गेम खेलनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन में 2 घंटे खेलो वो इनफ है अगर तुमको सिर्फ रैंक पुश करनी है। तो सीन अगेन चेंज होता है तुमको कैसे खेलना है गेम। अगर तुम ये जो तीन मैं बोला ना, एक दिन में 3 मैच खेलो, अगर ये बस तुम खेल के हॉट ड्रॉप पे उतर जाते हो, समटाइम्स तुमको गन नहीं मिलती, हाँ आई नो तुम बहुत अच्छे प्रो हो, तुम खुद को प्रो मानते हो, तुमको गन मिल गई तुम सबको मार दोगे, हाँ ये सारी चीज़ें एक तरफ, इनको एक तरफ सोच के ये सोच के देखो, अगर तुमको गन नहीं मिली तो तुम वहाँ पर मर जाओगे, मजाक से हट के तुम वहाँ पर मर जाओगे। सो वाली चीज़ होने ही मत दो, तुम हॉट ड्रॉप करो ही मत। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा, अगर रैंक पुश करनी है ना तो आप हॉट ड्रॉप मत करो, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि हॉट ड्रॉप पर हर बार सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती। इवन समटाइम्स होता अच्छे से अच्छा प्लेयर, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लेने वाला, कोई लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो तो है नहीं जो मैं किसी प्लेयर का नाम लूँ फिर वो मेरे को जज करे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, बट सीधा से बोल रहा हूँ अच्छे से अच्छा प्लेयर अगर वो कोई हॉट ड्रॉप की और उसको गन नहीं मिली तो भाई उसको नूप से नूप बंदा मार सकता है, क्योंकि बिना गन के अच्छा प्लेयर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई फाइटिंग का मैच तो है नहीं कि मुक्के मार के जीत जाएगा। सो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हॉट ड्रॉप मत करो, हॉट ड्रॉप को अवॉइड करो। अब अगर आपको सीरियस रैंक पुश के लिए आपको कॉन्करर जाना है, मैं एस वालों की बात नहीं कर रहा, ए पास एस आप स्क्वाड में भी जा सकते हो, अगर आपको कॉन्करर जाना है तो आप खेलो डुओ। अब आप बोलोगे कि मैं सोलो खेलने क्यों नहीं बोल रहा, उसमें कंपटीशन कम रहता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोले तो जो आप इजीली कर सकते हो। तो आप अगर सोलो खेलते हो तो आपको अकेलापन लगेगा, अब कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, अकेलापन क्या बोल रहा है भाई, ये क्या होता है अकेलापन, क्या हमको तो कॉन्करर जाना है हम तो खेल लेंगे। भाई प्रैक्टिकल चीज़ में अगर तुम सोलो खेलोगे पूरे दिन दिन भर बैठ के, तुमको अकेलापन लगे, कोई तुम्हारे पास बात करने वाला नहीं होगा, प्रैक्टिकल बोल रहा, अगर मेरी बात को तुम प्रैक्टिकली सोचोगे ना तुमको चीज़ सही लगेगी। अगर सोलो सोलो खेलो ना तुमको अकेलापन लगता है सोलो खेलने में, हाँ अगर तुम 4 मैच स्क्वाड के साथ खेलो, एक सोलो खेलो तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ सोलो खेलो तो जितना मुझे पता है भाई अकेलापन थोड़ा तो लगता है कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते, कोई टीम मेट नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। बेस्ट ऑप्शन डुओ, स्क्वाड खेलोगे बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। अगर तुम जैसे जैसे हायर टीयर पे जाते जाओगे ना एस पे, फिर एस में अगर तुम पॉइंट कलेक्ट करना चाहोगे तो तुमको इतना कर रहा कंपटीशन मिलेगा तुम्हारी फट जाएगी। अगर तुम कितने भी प्रो हो, फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा, तुम कितने भी प्रो हो लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है अगर अच्छी स्क्वाड ना हो तो। और मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग बोला था कि प्रैक्टिकल चीज़ है तो हर बंदे के पास अच्छी स्क्वाड नहीं होती, सो आप किसी एक बंदे को चूज़ करो अपनी फ्रेंड लिस्ट में, उसको कन्विंस करो कि तुम्हारे साथ डुओ खेले कुछ गेम, बस उसको बोलना ज़्यादा नहीं, कुछ 3 गेम खेल लेना मेरे साथ,
वो भी 3 गेम के लिए मना तो नहीं करेगा। सो आप 3 गेम दिन के डुओ खेलो और आई एम श्योर तुम सीज़न एंड होते तक कॉन्करर आ जाओगे। मैं एज की बात भी नहीं कर रहा, कॉन्करर आ जाओगे अगर आप जैसे मैंने बताया वैसे खेलो तो। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, तुमको डुओ खेलना है, एक दिन में ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 घंटे खेलना है, 3 मैच खेलना है मैक्स से मैक्स, और तीनों मैच में हॉट ड्रॉप नहीं करना, और जब तक फाइट अवॉइड करना है, जब तक तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा सर्वाइवल टाइम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, उससे कम में भी आप फाइट ले सकते हो, लेकिन उसी वही फाइट लेना जिसमें तुम्हारे जीतने के परसेंटेज ज़्यादा हो। अब आप बोलोगे कि मैं कोई कैलकुलेटर बैठा नहीं हूँ परसेंटेज निकालने के लिए जीतने के, हाँ लेकिन खुद का सेंस रहता है ना कि बंदा कहाँ पे, बंदा अगर एक बंदा उनका पेड़ के पीछे, एक दीवार के पीछे, मतलब तो मैं एक लाइक सीन क्रिएट कर रहा हूँ और तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मेरे को मार देगा, तो भाई फाइट मत लो। अगर तुमको लग रहा है एक ही बंदा है तो 2 बंदे घुस के मार सकते हो तो ईजिली मार सकते हो। और सबसे अच्छी बात, डुओ में ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस गेम प्ले नहीं होता है। तुम अगर किसी घर में हो तो तुम पे 2 ही बंदे रश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 3 बंदे रश नहीं कर सकते, 4 बंदे रश नहीं कर सकते। सो उसमें जो पुश पुश होता है तुम पे, तुम उसको हैंडल कर सकते हो, तुम उसको लाइक ईजिली टेकल कर सकते हो, जो भी है वो, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो, तुम इजीली कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो होता है। सो मैंने बोला कि तुम कॉन्करर पहुंच जाओगे अगर 1 घंटे, तुमने 2 घंटा गेम खेला 3 मैच अगर अच्छे से खेले तो तुम कॉन्करर भी जा सकते हो। अगर आपको बेवकूफ़ी करनी है तो आप रेजिडेंस स्टार्ट होते से स्क्वाड खेलना चालू कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, डेली खेलो, डेली मरो, KD भी गिर जाएगी मजाक से हट के। KD भी आपकी वही जितनी एवरेज KD दो दो पॉइंट की रहती है ना हर बंदों की, 2, 1, 2, 1.5 उतनी हो जाएगी आपकी भी। सो बस मैं इस वीडियो में आपको इतने बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ मैंने बताई स्क्वाड पुश करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कन्फर्म कर दिया कि ऐसी वीडियो नहीं जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए। मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतनी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, अगर कॉन्करर जाना है तो डुओ खेलो, एडिक्शन जैसे मत खेलो, ज़्यादा खेल के कोई मतलब नहीं है। तुम कम मैच खेल के भी कॉन्करर जा सकते हो, बट मैच अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया मैं 1 सीज़न 1000 मैच खेल के इस गया था, अभी जो सीज़न चल रहा है करंट सीज़न, मैं सिर्फ 300 मैच खेल के इस गया हूँ। और इफ़ यू वॉन्ट बिलीव, तुमको स्क्रीन पे मेरी पबजी की यूज़र आईडी दिख रही है, ठीक है, यूज़र नेम भी दिख रहा है, यूज़र आईडी भी दिख रही है, तुम जाके देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना था गाइस, आपको इतना ही समझाना था कि पबजी को एडिक्शन जैसे मत खेलो अगर रैंक पुश करनी है तो भी, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हम तो ज़्यादा खेलते हैं क्यों, क्योंकि हमको रैंक पुश करनी है, तरीके से खेलो भाई, रैंक पुश होती होती है, मैंने खुद नोटिस किया। आज की वीडियो में इतना, 10 मिनट वीडियो, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जाके जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और मेरी पबजी की यूज़र आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, हम साथ खेलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सो बस आज की वीडियो में इतना, आई एम एनर्जी एंड आई एम साइनिंग आउट।